डुप्लीकेट चनावा का वाल मिटम बाउंड्री लगाते आउटलाइन रे मैच रेफरी असिस्टेंट मैच रेफरी के एटिकेट ना आलो हुयो मा ओन आदित्य ना लुगुरी चनावा का ना अनवर दा लबन तीचे बांग जगा दा लबन लदे कामा हे जकन अपन पत पंजन मा रसके ममो रसके लगे अपन अपना परते अगो करना दर्शक जदि बकोता है ना का टांडे रसके बाय बुझे आ हां रसके जदि बाय बुझे एक मैच रा रोमांच माने टीम रे टूर्नामेंट रा वैल्यू बाय बुझे आ जो जमना का पहता से कौन अनुज जैसे पटंगरे टीम नौ टूर्नामेंट रन कर देते आड़े न पाए गोलते को जीते वो करना इनफंस के राउंड तो टाइप ब्रेकर के जीते उन्हें देखना ना फास्ट राउंड जरकानी एफसी के तीन सुनते के ने हरा लेते हैं ना पे गोलते के हरा लेते मिटेंगे नौ टूर्नामेंट रन मिटे रिकॉर्ड आड़े न पाए कि बिना का अनुभव के खिलाड़ी सुभाष पर्दा मिट समय एसआर जी झलक ने मिटेंगे नितु माने स्कोरर किन तह करना मैंने कहा तो उम्र तक हुई है करना मैंने कहा फुटबॉल रे टेक्निक और शॉटिंग पावर उन्हें के बिना हालांकि नोडे हैं तो के शॉटिंग रे बॉल डिफ्लेक्ट करते आउट लाइन को बाहर कर करता थ्रग ना मिटे नपाई तक किन जामा ओना तीन महीना नपाय फुटबॉल पे खेला आड़ीगान ने खिलाड़ी पिनल को फुटिन टूर्नामेंट के मारा टूर्नामेंट प्लेयर सूची बको जमाया प्लेयर सूची बम जमाया अम्मा उपरूम बैठे है ना बको ठीक दड़े मौका क्लब ने खिलाड़ी के नाम के चिली तो मान करना टीम ने मैनेजर जिते बच्चन बिना उनकिन अबिन पनते पनते ते अड़ीकिन मुश्किल आनाते निजर उपरूम साथे निजर खिलौन साथ साथे अबिना जहां जे टेक्निक बिना ना पूरा पूरा मैच रे फोकस अभी चेस्ट है लेकिन तो हम बॉल ताला मलार बॉल में आ रही है बॉल लड़े पुश करते बॉल लड़ो अपना चेस्ट लेते हैं कना अनुज इस स्पोर्टिंग टीम रे खिलान दिया हेडर करते बॉल मांग से जेकेएस जस्ट कांडी जेकेएस जस्ट कांडी रे ने कोड़ा किधर खटो सही कोड़ा किधर प्रकाश से बोल नडे निजर जोटाल के बोले मानंग से ते अनुज स्पोर्टिंग बर्दा अरे बस मौका हो जाना नडे मैंने कहा किचुक समय लगे बॉल निजर जंगल के धोखा चिकते करते आशीष लगे खिलाड़ी रेडी पोजीशन रे बकें तय करना अकि ना जॉन रे बकें सेट लेने तय करना नौ हम इतने कला करना एक लाते बोले मात की रिया डिफेंडर रे जो दे बढ़िया बढ़िया को था ना बीट जा मुश्किल हो शॉटिंग न पाए के मैंने कहा सीधा गोल कीपर तीर है और अड़ी के नपाई की ग्रिप पे बॉल नपाई की कलेक्टर कर दिया तो जिस तरह से यहाँ पर मौका दोनों ही टीम ने तलाश रहे मौका को भुना नहीं पा रहे हालांकि अपन शुरुआती क्षणों से ही एक अटैकिंग खेल को खेलने के प्रयास काउंटर करने का प्रयास करें जेके एस जसकान भी हालांकि यहाँ पर मिडिल जोन से गेंद को निकालने का प्रयास 18 नंबर का मुकाबला के लिए रेडी में रहेंगे 18 नंबर का मैच यानी सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला नरगी एंड नरगी ओडिशा और मुकाबला होगा रितेश स्पोर्टिंग टेलको आप भी पूरी तरह से रेडी में रहेंगे और इन दोनों टीमों का ये क्वार्टर फाइनल का पहला मैच इसमें से जो टीम जीत हासिल करेगी वो सीधे प्राइज के दौर में शामिल हो जाएंगे यानी नगद पुरस्कार के हकदार होंगे और जो टीमें हार का सामना करना पड़ेगी उनको खाली हाथ घर वापसी करना होगा यानी पूरी तरह से दिन भर का मेहनत पर पानी फेर जाएगा इसलिए यहाँ पर दोनों ही टीम के लिए यहाँ पर एक क्रुशियल यानी अहम मुकाबला है मैच के नजर से अगर हम देखें तो हालांकि इस तरह का जोखिम यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे अगर गोल स्कोर को निकालेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उम्मीद बरकरार रहेगी जीवंत बनाए के रखेंगे अपने टीम को और अच्छी बॉल यहाँ पर देखना होगा गेंद अच्छे पास मिडिल जोन पर शॉटिंग उछाला है लेकिन यहाँ पर डिफेंडर तो देखना होगा जिस तरह से ये मैच चल रहे दोनों ही टीम अच्छे गोल स्कोर की तलाश कर रहे हैं अच्छे गोल स्कोर का अगर निकालेंगे तो बेहतर होगी और सभी दर्शकों के लिए मैं आप सबको खुशखबरी में बता देना चाहूंगा 17 तारीख को हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी एसएसएमएम बांधो के प्रांगण में ही एक झापोन का आयोजन किया गया झापोन झापोन यानी जो वेद जो होते हैं जो ओझा गुनी जो होते हैं उनके बीच में एक चलन होगी और उसमें कौन से गुने एक अच्छे गुने के तौर पर साबित होंगे अगर आप लोग इससे इच्छुक हैं तब आप लोग जरूर आएंगे
টেনে আছে। पिछले 18 नंबर का मुकाबला के लिए रेडी में रहेंगे नरगे एंड नरगे उड़ीसा और रितेश स्पोर्टिंग टेल को के टीम आप पूरी तरह से हमारे मेडिकल जोन में खिलाएंगे। उन्नीस नंबर का मुकाबला प्ले रेडी पर रहेंगे www.signature.com जमशेदपुर और हमारे मेजबान टीम होंगे SSM पांडो और 20 नंबर का मुकाबला होगा मनीष स्पोर्टिंग और धुमापा नहीं है, वो एनर्जी हमें देखने को नहीं मिली, वो स्किल देखने को नहीं मिल रहे जो अमूमन वन डे मैच में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी औपचारिकता है कि शैली में यहाँ पर खेल को खेला जा रहा है, लेकिन हार जीत तो खेल के एक पहलू है, एक शैली है। लेकिन यहाँ पर टीम की अगर हम बात करें तो अभी तक JKS राजस्थान ने छोटी छोटी पास को जरूर खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्कोरर को अच्छे स्कोर करने में नाकाम होता हुआ 11 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर सुनाराम कुंकल ऑफेंस लाइन में यहाँ पर खेल को खेल रही है। तो क्या होगी यहाँ पर देखिए अनुज सरदार, अनुज यहाँ पर अपने साथ खिलाड़ी देखना होगा यहाँ पर अनुज स्पोर्टिंग पॉडकास्ट की टीम। लेकिन अब गेंद को छीन में मैं बताऊं कि कैसे जस्कार देंगे मिडिल जोन से गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन काफी एडवांस गेंद को छीनने में भी कुछ हद तक लेकिन अच्छी शॉटिंग के द्वारा यहां पर गेंद को फील्ड किया। लेकिन अब बात गेंद तक पहुंचने का प्रयास जरूर किए थे, यहां पर एक फ्रेम करने का मौका मिल गई और जिस तरह से यहाँ पर आसमान में काले बादल छाए और ऐसे बारिश की संभावना लगभग यहाँ पर थोड़ी सी संभावना बढ़ रही है। तो चलिए मैं मैन ऑफ द मैच के मनोज गोपाल हमारे मंच में आएंगे। अनिल स्पोर्टिंग जमशेदपुर का टीम आपको जीत मिली है, आप हमारे मंच में आएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए। आकाश स्पोर्टिंग कॉलोनी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, हालांकि उनको बाई के प्रोसेसिंग के दौर में क्वालिफाई कराया गया था, लेकिन अनिल स्पोर्टिंग की टीम ने बहुत ही खेल को खेल रही है और नतीजा यहाँ पर क्वार्टर फाइनल को जगह मिलने में कामयाब रही है। लेकिन JKS राजस्थान ने लंबी की यहाँ पर लेकिन अच्छे ब्लॉक गेंद यहाँ पर डिफेंस करके गेंद फ्रेंड करने का मौका नरगे एंड नरगे ओडिशा की टीम और रितेश स्पोर्टिंग तेलको की टीम आप हमारे इस मेडिकल जोन में चले आएंगे। रितेश स्पोर्टिंग तेलको और मनीष स्पोर्टिंग नरगे एंड नरगे आप प्रत्येक से रेडी होकर के हमारे मेडिकल जोन में चले आएंगे। देखिए अच्छी कमर के करने का मौका यहाँ पर मौका है बेहतरीन थी हालांकि कमाल
का गेंद पर से गेंद घूम रहे थे लेकिन अच्छी गेंद को बचाना था। हालांकि यहाँ पर मैच रेफरी यहाँ पर वार्न करता हुआ, हालांकि यहाँ पर रिकमेंड करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक आप कॉशन आपको मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर खेल में इस तरह का मोमेंट कभी कभी हमें देखने को मिलती है। हालांकि मैच रेफरी यहाँ पर डिसीजन दे चुके हैं, मैच रेफरी हालांकि यहाँ पर एक फाउल की करने का मौका लपेटे कि यहाँ पर स्पॉटिंग के पास दागे अच्छी हेडर अभी उनके कब्जे पर 15 नंबर के खिलाड़ी देखना होगा फिर विशाल शॉट ही यहाँ पर नहीं आ रहा था पर्दा है लेकिन शॉट को इस तरफ पावर नहीं थे। हालांकि यहाँ पर अच्छी ब्लॉक यहाँ पर डिफेंडर के द्वारा हालांकि यहाँ पर देखना होगा जिस तरह से यहाँ पर थ्रोइंग में अनुज स्पॉटिंग का एक मौका बनी है पर्दा। पिछले खेल रोमांच की स्थिति में जरूर चल रही लेकिन यहाँ पर स्कोर में किसी तरह का तब्दील नहीं हुई है। मनोज गौर आप हमारे मंच के करीब के आगे आपको सम्मानित करेंगे हमारे शिक्षक महोदय आदरणीय श्री रंजीत हांसदा के सुभाषों से आप रंजीत मुर्मू के सुभाषों से आपको सम्मानित की गई जो कि हमारे इस अच्छे एडवाइजर भी साथ साथ शिक्षक महोदय हैं जो कि आज हमारे इस मंच में मंचासीन हुए हैं। तो तमाम हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे इस मंच में मंचासीन हुए हैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ये वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट में हमारे आतिथ्य गण की श्रेणी कतर लगी हुई है और हमारे इस मंच में आती रहेगी मुख्य अतिथि के साथ साथ विशिष्ट अतिथि हमारे इस मंच में मंचासीन होंगे। लेकिन यहाँ पर जेके जसकांडे अनुज स्पोर्टिंग के लिए बहुत अच्छी बॉल यहाँ पर विशाल के लिए अच्छी बॉल अभी हम देखते हैं दोनों का लेकिन बॉल के संतुलन को बना नहीं पा रहे लेकिन हम लगे यहाँ पर शॉटिंग की जरूरत है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी में थोड़ी सी कमी हम कह सकते हैं। लगातार फुटबॉल मैच को खेले लगातार मैच को खेलने से थोड़ी सी एनर्जी में कमी आती है और बार बार मैं इस बात को मैं जिक्र करता हूं कि आप लोग नियमित रूप से दूध या नींबू पानी या ठंडे पानी का सेवन करें तो बेहतर होगी। हालांकि जिस तरह से पसीना बहती है तो डिहाइड्रेशन होने से थोड़ी सी एनर्जी का फिर लॉस होती है और उसको मेंटेन करने के लिए आपको गुलकंदी या ठंडे पानी हालांकि यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर तोहफा के तौर पर मिला है। हालांकि इस तरह का गोल हम कह सकते हैं चिका गोल ना चिका बना लेकिन बार चीज क्रॉस किया गया था आशीष के तौर पर यहाँ पर 12 नंबर के टीम के खिलाड़ी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तो क्रोशिया के टीम में बिना के द्वारा इस तरह आत्मघाती गोल हुई थी जिसके चलते फ्रांस की टीम ने 1-0 के लीड बनाए थे और देखना होगा यहाँ पर जिस तरह से एक गिफ्ट एक तोहफा के तौर पर मिला है। हालांकि अनुज प्रयास कर रहे हैं हालांकि साबित हुए लंबी शॉटिंग अच्छे ब्रेकपास लेकिन यहाँ पे विशाल अनुज स्पोर्टिंग के टीम के खिलाड़ी यहाँ पर 10 नंबर के मोहन मोहन लेकिन गेंद जेके से जसकांडे जसकांडे ने जिस तरह से अच्छे अच्छे मौका को बनाने का मौका को भुना नहीं पा रहे अच्छी गेंद पे फॉलो करता हुआ जसकांडे के अच्छी चांस हो गया 7 नंबर के खिलाड़ी क्या यहाँ से गेंद को शॉटिंग लेंगे लेकिन यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी बहुत ही गति भरी पास ऐसे गेंदों को कंट्रोल करना है यानी कि यहाँ पर सदाबदे एक प्रेस के साथ दौड़ लगाने के बराबर हो गई। हालांकि यहाँ पर जिस तरह का मौका थे यहाँ पर अपने आप में भरोसा ज्यादा तो शॉटिंग लेते हैं तो कुछ हद तक यहाँ पर मौका बन सकता था अपने टीम ने जेके जसकांडे के लिए। तो यहाँ पर 7 नंबर के खिलाड़ी अनुभव के कमी को दर्शाएं
अनकिया सात नंबर प्रश्न है, प्रकाश साहब सभी प्रधान के चार टीम है, देखना होगा यहाँ पर पुनः यहाँ पर गोलकीपर ने चतरेपर गेंद को यहाँ पर गेंद को प्लेस करने में कामयाब होता हुआ जसकंद जी सूरज पांड्रा, लेकिन पांड्रा देखना होगा अभी तक अच्छी ताल में अच्छी क्रॉस यहाँ पर मौका है, यहाँ पर जसकंद को अच्छी प्लेस किया गया, वाह बहुत अच्छी चांस, हालांकि यहाँ पर दो नंबर के खिलाड़ी किसी तरह का मोमेंट नहीं था, बहुत बेहतरीन गुरुपालदेव गांव के मौका था, दो नंबर के खिलाड़ी आशीष के तौर पर पहुंचे थे, हालांकि डिफेंडर लाइन में ओवर लेते खेल के लिए पहुंच चुके थे, अगर यहां पर पोस्ट करते टच करते तो निश्चित तौर पर यहां पर बराबरी का गोल कर सकते थे, तो लगभग लगभग ये खेल समाप्त की ओर चल रही है, यहाँ पर औपचारिकता ही बची हुई, यहाँ पर खेल को समाप्त करने में ये खेल समाप्त होगी, 3 बजे खेल समाप्त होगी और मैच रेफरी लगभग यहाँ पर मैच के घर की सीढ़ियां पर जरूर निहारना चाहेंगे, जैसे ही समय होगी यहाँ पर खेल को समाप्त करेंगे और एकत्रण करने का मौका जेके एस का लंबी क्लियरेंस, हालांकि अपन गांव का लगने का मौका, सूरज काफी आगे निकल गए हैं गोलकीपर, हालांकि यहाँ पर और इसी के साथ खेल समाप्ति की घोषणा, मैच रेफरी